हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और जैसे कि आज है संडे का दिन, और संडे का दिन हमारे लिए बन गया बहुत 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 खास दिन, और उसी की खुशी के लिए हम जा रहे हैं। फटाफट से काम निपटाया है और अब फिलहाल बज गई हैं 9:30। तो कितनी भी कोशिश करने के बाद फिर भी इतना टाइम तो लग ही गया हमें, और ये हम आपको बताएंगे आगे चलकर कि हम कहाँ और कैसे जा रहे हैं। और हमारे जो जो की जरूरी सामान थे वो सब हमने रख लिए हैं इस बैग में और इसमें, और काफ़ी दूर तक आ चुके हैं। अभी लग जाएंगे कम से कम 15 मिनट और लग जाएंगे हमें वहाँ तक पहुँचने में। तो अभी चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जाहिर सी बात है, अगर हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो हमें कुछ फ्रूट तो लेके ही चलने हैं। तो मैं फ्रूट में ले लेती हूँ पपीते। 2 पपीते ले लिए थे मैंने नॉर्मल साइज के। और चीकू के लिए बारे में पूछा तो बोले थे कि ये सीज़न ऑफ क्या, शायद ज़्यादा महंगे होंगे बारिश वारिश की वजह से, तो इसलिए उनके पास थे नहीं चीकू। तो पपीता ही ले लेती हूँ मैं। और हम अब आ जाते हैं अपने मंजिल की ओर, बढ़ चुके हैं, उतर चुके हैं, कर रहे हैं रोड क्रॉस। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको बता ही देती हूँ कि ये खुशी का पल है, दिन है, क्योंकि मेरी भाभी को हुआ है बेटा, तो हम उसी से मिलने जा रहे हैं। वैसे तो ऑपरेशन से हुआ है, लेकिन आजकल ऑपरेशन तो नॉर्मल बात हो गई है सभी को। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही है कि हमारा बच्चा और जच्चा दोनों सेफ हैं, एकदम बढ़िया हैं। और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं रिसेप्शन पर। और हमने किसी से भी पूछा नहीं था फ़ोन करके कि हम आ चुके हैं, कहाँ हो, कैसे हो। हमने सोचा कि हम पूछ के खुद ही जाते हैं उनके पास और उन्हें भी सरप्राइज़ देते हैं। तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते चले गए और देखो, खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बस क्या करें, अब चल रहे थे और फिर हम पहुंच जाते हैं उन सब के पास। और थोड़ी देर तो हमने की थी बातचीत, और अब लगभग 10:30 बजे थे, टाइम भी काफ़ी हो गया, मतलब कि टाइम से ही पहुंच गए थे हम। तो थोड़ी देर अब बातचीत की थी, जच्चा हमारी बिल्कुल ठीक थी, सेफ थी। और अब देखो, फॉर्मलिटी तो होती है डॉक्टरों की, कुछ 48 घंटे तक उन्हें रखना है। और पहले से ही हमारी बुआ भी वहीं रुकी हुई थी। कल तो इनकी मम्मी थी भाभी की, क्योंकि सभी को भाई खुशी होती है, तो कल भाभी रुकी थी तो आज बुआ रुकेंगी यहाँ पे। अभी वो फ़िलहाल चले गए थे भाभी की मम्मी, और अब फिर चले जाते हैं हम बच्चे को देखने। देखो, वैसे बच्चा हमारा बिल्कुल सेफ़ है, वैसी घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन बस यही है, बच्चा 3 किलो से भी ऊपर है, लेकिन डॉक्टर का तो अब यही है कि एडमिट करते ही करते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए। और फिर बड़े भाई भाभी भैया भी आ जाते हैं, तो फिर हम उन्हें छोड़ के हम चल देते हैं। देखो, 3 बजे के बाद हमारा रुकना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि घर के छोटे मोटे ऐसे बहुत काम हैं जो कि 3 बजे से हमारे स्टार्ट होते हैं, आप सबको पता है। और जब मैं घर से निकली थी तो मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उसी वजह से मैं थोड़ी सी और लेट हो गई थी, वरना मैं 9 बजे हॉस्पिटल पर पहुँच भी जाती। तो तबीयत सी ख़राब थी, मैंने कहा चलो सानी वानी हो जाएगी और दूध के टाइम तक मैं पहुंच ही जाऊंगी। और फिर थोड़ी सी देर मार्केट में भी लग गई थी, क्योंकि जन्माष्टमी थी तो उसके लिए वो भी लेने थे फल फ्रूट, तो उनसे विदा लेते हुए। वैसे हमारा जच्चा और बच्चा बिल्कुल सेफ हैं, और आज शाम को तो मिल जाएगी बच्चे को छुट्टी, और फिर मॉर्निंग में मिल जाएगी जच्चा को छुट्टी। तो अभी फ़िलहाल बुआ हैं उनके पास, रुकेंगी, तो उसके बाद। और भाई बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि देखो, आप सबको पता है कि इस टाइम पे, इस मौके पे नंद का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखो, हमारे ही नहीं, ये तो सब जगह यही रिवाज है। इस टाइम पे देखो, एक जो माँ होती है उसको इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दूसरे की हेल्प की, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कर पाती, और ऑपरेशन की कंडीशन में और भी ज़्यादा। तो हम विदा लेते हुए चल देते हैं। और कैसे मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, अब फ़िलहाल कौन रहेगा,
उनके पास। तो इन सब के बारे में तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अब फिलहाल सबको देखो, जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कि इन दोनों के पास मैं रुकूं, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। घर में मम्मी पापा की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं कैसे कैसे जाऊंगी, कौन जाएगा, अब फ़िलहाल कौन रहेगा भाभी के पास, और मुझे कब टाइम लगेगा, मैं कैसे जाऊंगी। तो इस व्लॉग को तो मैं करूंगी यहीं समाप्त, क्योंकि जाके फटाफट से करने हैं बाकी और सारे काम। तो ओके, बाय, टाटा।